consider an equation p plus 3q is equal to 5z plus 10 y minus 3x. अब हम यहाँ जो दो क्वेश्चन करेंगे उनका सेम प्रोसेस है, वो इसी तरीके से सॉल्व हो गए. नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन. इट इज इन अगेन लैग्रांजिस फॉर्म. तो dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन 3 इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10 y माइनस 3x. नाउ अप्लाइंग मेथड ऑफ ग्रुपिंग, dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन 3 और dy इज इक्वल टू 3 dx एंड टेकिंग इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस c1 और y माइनस 3x इज इक्वल टू c1. अब इस फैक्टर का यूज हम यहाँ अप्लाई करेंगे और इसका या तो इसके साथ या इसके साथ किसी के भी साथ भी ग्रुपिंग कर लेंगे. तो देखिए, नाउ वी अप्लाइंग सेकंड एंड थर्ड. सपोज सेकंड एंड थर्ड, dy अपॉन 3 इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10 y माइनस 3x. y माइनस 3x की वैल्यू आ रही है c1, तो इट इज 10 c1. नाउ सिंपली इंटीग्रेट और 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो दिस इंप्लाइज dy इज इक्वल टू 3 dz अपॉन 5z प्लस 10 c1. 10 c1 इज अ कांस्टेंट. तो सिंपल dz अपॉन 5z का इंटीग्रेशन जो होता है हम वो अप्लाई करेंगे. तो सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो y इज इक्वल टू, इसको हम t मान लें, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 log 5z प्लस 10 c प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2. सो y इज इक्वल टू 3 बाय 5 log 5z प्लस 10 और c1 की जगह हमने वैल्यू रख दी. c1 हमने क्या माना था, y माइनस 3x. इट इज y माइनस 3x प्लस c2. तो देयरफॉर हमें एक नया सॉल्यूशन मिल गया. इस 5 को हम दे लिया है 5y माइनस 3 ऑफ log 5z प्लस 10 y माइनस 3x इक्वल टू c. दिस इज आवर सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन एंड द कंप्लीट सॉल्यूशन इज f. फर्स्ट सॉल्यूशन व्हिच इज y माइनस 3x और सेकंड सॉल्यूशन व्हिच इज 5y माइनस 3 ऑफ log 5z प्लस 10 y माइनस 3x इक्वल टू 0. फर्स्ट सॉल्यूशन कॉमा सेकंड सॉल्यूशन इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन. अब दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पर है. तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. z इनटू z स्क्वायर प्लस xy px माइनस qy इज इक्वल टू x4. नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, x रेज टू पावर 4. तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इंप्लाइज इसको मल्टीप्लाई किया तो zx z स्क्वायर प्लस xy इंटू p माइनस zy इंटू z स्क्वायर प्लस xy इंटू q इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4. अगेन ये दिखाई दे रहा है हमें कि p की पावर 1 है और q की डिग्री भी 1 है, तो ये लैग्रांजिस फॉर्म है. अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम क्या करें, dx अपॉन कैपिटल p दैट मीन zx z स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस zy z स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू dz अपॉन x की पावर. अब यहाँ पे हम वही इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. तो कैसे करें, तो सीधे सीधे हम मेथड ऑफ ग्रुपिंग लगा दें बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड. तो दिस इंप्लाइज dx
जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई कैंसिल आउट हो रहा है, जेड जेड कैंसिल आउट हो रहा है, तो दिस इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई. तो देयर फॉर डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स लॉग एक्स इंटीग्रेट करने के बाद लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग सी वन, दैट मीन्स एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सी. ये हमारा पहला सोल्यूशन हो गया. नाउ फॉर फाइंडिंग सेकेंड सोल्यूशन, तो अब देखिए हम यहाँ डी जेड अपॉन एक्स की पावर फोर है, तो हम इसको इसके साथ इक्वेट करें. अगर हम इसके साथ करते हैं तो दिक्कत रहेगी, क्योंकि यहाँ x की पावर 4 डी वाई के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा. तो इसके लिए हम क्या करें, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर इसको ट्राई करें. तो नाउ आई यूजिंग फर्स्ट एंड लास्ट फैक्टर डी जेड अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4, और यहाँ जो एक्स वाई है इस एक्स वाई को मैंने यहाँ सी वन पुट कर दिया. तो देयरफॉर अब क्या बनेगा हमारा सॉल्यूशन, हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, डी एक्स अपॉन जेड एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस सी वन इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स फोर, और इस x से x की पावर कटी तो ये हो गया एक्स क्यूब. ना इस एक्स क्यूब को मैं इधर ले आया, तो एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस सी वन इंटू डी जेड, और इसको इंटीग्रेट कर दिया तो आंसर आ जाएगा एक्स फोर अपॉन फोर इज इक्वल टू जेड क्यूब का इंटीग्रेशन जेड फोर अपॉन फोर, और जेड का इंटीग्रेशन प्लस सी वन, जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई टू एंड प्लस सी टू, और सी वन की जगह हमने वैल्यू डाल दी कि सी वन किसके इक्वल था. तो दिस इम्प्लाइज वी आर गेटिंग द सॉल्यूशन एक्स फोर, सिंपली आई एम राइटिंग इट सी टू बाई फोर, तो ये फोर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ टू आ जाएगा. इट इज एक्स फोर इज इक्वल टू जेड फोर प्लस टू, सी वन की जगह मैंने रख दिया एक्स इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस सी टू, और एक्स फोर माइनस जेड फोर माइनस टू एक्स वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू सी टू. ये हमें दूसरा सोल्यूशन. फाइनली द कंप्लीट सोल्यूशन इज एफ ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन एक्स वाई कॉमा दूसरा सोल्यूशन इक्वल टू जीरो. इसका सॉल्यूशन हो गया. थैंक यू.